नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। क्या 1 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे शरद पवार और उद्धव ठाकरे? दिल्ली में 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। इस बैठक में एनसीपी एससीपी की तरफ से शरद पवार, शिवसेना यूबीटी की तरफ से उद्धव ठाकरे और पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत भी मौजूद रहेंगे। आगामी 1 जून को ही लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान होना है। मतगणना 4 जून को होगी। इंडिया गठबंधन का दावा। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे की ओर से बुलाई गई इस बैठक में विपक्षी नेता चुनाव नतीजों से पहले अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगे और 7 चरण के चुनाव में अपने प्रदर्शन का भी आकलन करेंगे। विपक्षी गठबंधन दावा कर रहा है कि वह बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को केंद्र में सत्ता में लौटने से रोकने और अपनी खुद की सरकार बनाने में सफल रहेगा। बीजेपी ने किया जीत का दावा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि वह इन चुनावों के बाद लगातार तीसरी बार केंद्र सरकार बनाएगा। इंडिया गठबंधन बनने के बाद इससे कुल 28 दल जुड़े थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल जैसी कुछ पार्टियां एनडीए में शामिल हो गईं। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पिछले साल 2023 जून को पटना में हुई। उसके बाद 17-18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में और फिर 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच मुंबई में बैठक हुई। विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली में 31 मार्च को विपक्षी नेता शामिल हुए थे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।